और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मथुरा की खबर जानिए, जहां पर रिफाइनरी में बड़ा हादसा हुआ है। शटडाउन में मरम्मत के दौरान भीषण आग लग गई, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में ABU प्लांट को फाइनल शटडाउन के बाद फिर से शुरू करते वक्त यह हादसा हुआ। तो ये हादसा, तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, लेकिन तत्परता दिखाते हुए जो लोग झुलसे थे उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 को आगे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और शटडाउन में जब मरम्मत का काम चल रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूर तक ये आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई है। इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट ये भी दे देते हैं कि मथुरा हादसे पर CM योगी ने भी संज्ञान लिया और अफसरों को राहत कार्य के आदेश दिए गए। घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कहा गया। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना भी की गई है। मेरे को तो बताया गया था कि ऐसे ऐसे बात है, फायर हो गया है और थोड़ा जल्द गया है तुम्हारा भाई। कैसे शट डाउन प्लान स्टार्ट में करने के लिए जा रहे थे, ये हुआ। क्या जानकारी, कितने लोगों की? मेरे को 7 लोगों का पता है। 7 लोग? नहीं, 4 लोग यहाँ का है, 3 अंदर ट्रांसफर में। गंभीर? ऐसा तो कोई खास बताया नहीं, जाने तो नहीं दे रहे हैं देखने के लिए। आपके भाई हैं? हाँ। क्या नाम है भाई? अजय है। अजय कब से काम कर रहे हैं? करीब करीब 2 साल हो गए। CM योगी आज भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर आप अपडेट ले लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे महाराष्ट्र में। BJP के स्टार प्रचारक के तौर पर CM योगी 3 चुनावी जनसभाओं को यहां पर करने जा रहे हैं। पहली जनसभा सुबह 11 बजे होगी करजा विधानसभा क्षेत्र में, BJP प्रत्याशी सई प्रकाश ढहाके के लिए। CM योगी आदित्यनाथ की दूसरी जनसभा ठाणे की उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र में होगी। BJP ने यहाँ कुमार उत्तम चंद आयलानी को चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है, जिनके लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तीसरी जनसभा होगी ठाणे के मीरा भाईंदर विधानसभा में। BJP के उम्मीदवार नरेंद्र लाल चंद जी मेहता के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी। चुनावों में CM योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा के दौरान CM योगी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर करारा पलटवार किया। CM योगी ने कहा है कि मैं योगी हूं और मेरे लिए देश पहले है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट विपक्ष को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में प्रचार के दौरान CM योगी लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। चुनाव के दौरान CM योगी उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे दलों के नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CM योगी पर सीधे तौर पर राजनीतिक हमला बोला है। खड़गे ने चुनावी मंच से पूछा, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा? योगी आदित्यनाथ वो तो हिसाब से साधुओं का वेश खेलते हैं, अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने CM योगी की तुलना आतंकी से कर दी।
खटगे का कहना है कि ऐसा बयान कोई आतंकी दे सकता है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र